ऑफ फोर्स क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, एक फोर्स को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। एक सिंगल फोर्स को अगर आप दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप इस कंसेप्ट को रेजोल्यूशन का नाम दोगे। सिंपल सी बात तो ये है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेक मतलब समझते हो, तोड़ना। किसको तोड़ना? एक सिंगल फोर्स को। किसमें तोड़ना? दो या दो से ज्यादा फोर्सेस में। इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया जाएगा? आपका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और आपको इतना भी पता होना चाहिए, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के साथ अपनी वैल्यू को बदलती है, और वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन के साथ अपनी वैल्यू को बदलती है हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऑन द होल अगर पेपर में आ जाता है व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, तो आपका एक ही आंसर होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर। अगर आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए फोर्स। हर वेक्टर के लिए नाम वही चलेगा, सिर्फ मेथड बदल गया, और मेथड में क्या आ गया? इट इज द प्रोसेस। किसकी प्रोसेस है? ब्रेक करने की प्रोसेस है। किसको ब्रेक करना है? आपके वेक्टर को। वेक्टर में फोर्स आता है, तो अगर हम अपने फोर्स को ब्रेक करते हैं दो या दो से ज्यादा फोर्सेस में, तो हम इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। तो मैं यहां पर अगर इसका डेफिनेशन लिखूंगा तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अभी सिर्फ समझना आपको, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ए सिंगल फोर्स इंटू टू और मोर फोर्सेस। अब तो समझ आ गया सभी को। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग रोज सबसे कॉमनली कंसेप्ट क्या करते हैं? चलना। जब हम चलते हैं तो चलते वक्त हम ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं, सभी को पता होगा। चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना जो पैर का आगे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ दबाते हैं और एड़ी ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब हम ग्राउंड पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ठीक है, वो एक फोर्स है। अब वो फोर्स जब हम ग्राउंड पे लगाते हैं तो न्यूटन के तीसरे लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन। अब ग्राउंड हमें बैलेंस बनाएगा तो वो हमारे पे रिएक्शन करेगा। जब ग्राउंड हमारे पे रिएक्शन करेगा तो हमारे पास दो फोर्सेस बन गई, एक एक्शन और एक रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन को दो टुकड़ों में बांट देंगे। किसको दो टुकड़ों में बांटेंगे? रिएक्शन को। जैसे मान लो यहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं और ये ग्राउंड पे हमारी फोर्स है, तो हम यहां पे लिखेंगे ग्राउंड और ये हमारा क्या है? फोर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, हो गया। और अगर मैं इसमें मेंशन करता हूं ये वॉकिंग का केस है, तो अब यहां तक पता लग गया ना, एक आदमी जब चलता है तो वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है, पीछे की तरफ धकेलने के लिए वो उस पर क्या लगाता है? फोर्स। ये उसका क्या कहलाता है? एक्शन। इसको बराबर करने के लिए ग्राउंड वापस इस पे क्या लगाता है? रिएक्शन। ये रिएक्शन एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। इस फोर्स को ऐसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, उसमें से एक पार्ट मुझे चलने में मदद करेगा और दूसरा पार्ट मेरे बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा। समझ आया? तो किस तरह से मैंने एक फोर्स को दो फोर्सेस में तोड़ दिया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? समझ आया ना? एक ग्राउंड ने मुझे एक फोर्स दिया और मैंने उस फोर्स को दो हिस्सों में बांट दिया, उसमें से एक हिस्सा मेरी बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा ताकि मैं गिरूं ना, और दूसरा हिस्सा मुझे चलने में मदद करेगा। इस तरह से मैंने रिएक्शन के दो टुकड़े कर दिए, रिएक्शन को दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा? रेजोल्यूशन। आया समझ सभी को? रेजोल्यूशन का कंसेप्ट इतना क्लियर है। अब रेजोल्यूशन में जो दो पार्ट्स बनते हैं उन दो पार्ट्स का नाम क्या क्या है, याद रखना। जब भी हम रेजोल्यूशन करेंगे तो उसमें दो पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, और एक पार्ट को क्या बोलेंगे? वर्टिकल। ठीक है, जब भी दो टुकड़े बनेंगे, ये बना ना सिंगल फोर्स इनटू टू, वो टू कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स, इफ टू कंपोनेंट्स आर रिजॉल्व्ड एट 90 डिग्री विद ईच अदर, then the components are called rectangular components. कौन से components कहलाएंगे? C.
तो मैं सबसे पहले लेता हूं इन ट्राइंगल OBA। इस ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल लो, तो आप सबको पता है cos थीटा का फॉर्मूला बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा में बेस बाय हाइपोटेन्यूज को क्या मैं लिख सकता हूं? OB बाय OA, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? अगर हम यहां पे देखें तो डायग्राम में OB का वैल्यू कितना है? Fx। व्हाट इज द वैल्यू फॉर OA? फोर्स F। तो व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू? cos थीटा इज इक्वल टू Fx बाय F। तो इसका मतलब मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू कितना है? Fx इक्वल टू, आया समझ ये कॉन्सेप्ट? Fx का वैल्यू कितना आ गया? F cos थीटा। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल लेते हो, सेकंड ट्राइंगल OAC, और मैं आपको बोलूं इसमें sin थीटा निकाल दो, ठीक है? तो sin थीटा अगर इस ट्राइंगल में निकाले तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही है ना कॉन्सेप्ट? तो sin थीटा में परपेंडिकुलर क्या बनेगा? OC, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? OA। अगर OC का वैल्यू बात करें तो वो कितना है? FY। OA अभी भी कितना है? F। तो यहां से FY का वैल्यू कितना आ जाएगा? F sin थीटा। तो इस तरह से मैंने F के दो कंपोनेंट्स बना लिए, कौन कौन से? FX एंड FY। उसमें से FX का वैल्यू कितना आया? F cos थीटा। FY का